फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ शिवी के आज के बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स के बारे में बात करने के लिए मतलब आई हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें कि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अच्छा मोमेंट आज दिखाया गया है। मतलब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो या तो सोशल मीडिया पे या फिर मतलब टीवी पे तो आएगा ही, तो टीवी पे तो देखना ही है, मतलब बहुत ज़रूरी है टीवी पे देखना। और मतलब फिर भी आप इंस्टा पे चेक कर सकते हैं, आप लोगों को शिवी के मोमेंट्स ऑब्वियसली मिल जाएंगे। और आप अगर शिवी के फ़ैन हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं शिवी के मूवमेंट्स की तरफ, मतलब आज के शिवी के मूवमेंट्स। वाओ, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा दूरी से प्यार बढ़ता है, तो दोनों एक दूसरे को मिस करते हुए दिखेंगे। दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दिख रही है और अभी अभी मिल के आए हैं दोनों, बट फिर भी एक दूसरे को बहुत अभी भी याद कर रहे हैं। मतलब रावी भी शिवा के बारे में सोच रही है। मतलब हमने पहले बात की थी कि क्या शिवा को पहले प्यार होगा, तो शिवा को तो हो ही रहा है, साथ में अब दिख रहा है कि रावी को भी फाइनली शिवा से प्यार हो रहा है, जो कि मतलब उस चीज़ का उसे भी एहसास नहीं है, बट वो उसके बारे में सोचने लगी है। हम हर जगह उसे मतलब वो बार बार दिखता है, उसके बारे में सोचती रहती है और उसके बारे में सोच सोच के उसी के खुश होती रहती है, स्माइल करती रहती है। और उसके बाद और फिर वो अपना बर्थडे विश भी उससे मांगती है। मतलब बुआ अपनी मासी से बोलती है कि प्लीज़ आप शिवा से मत लड़िए। मतलब फाइनली वो प्रफुल्ला से यही मांग रही है कि वो लड़े ना शिवा से। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे मामी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अब शिवा भी उसके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है और वो उसको पसंद करने लगी है कहीं ना कहीं। और जहाँ आज के एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वो ऋषिता के सामने भी शिवा का पक्ष लेती हुई दिखेगी, और मतलब वो के बारे में कुछ सुन नहीं सकती है। मतलब बहुत अच्छा अच्छा मूवमेंट फिर शिवा और रावी का, वो वीडियो कॉल, वाव यार, मतलब बहुत क्यूट था। दोनों जो थोड़ी सी दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है वो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आप लोग भी जरूर देखिए। और मतलब मैंने दो तीन बार देखा उसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देन फिर जब वो फ़ोन कर जाता है, फिर वो क्या बोलते हैं, उसके इयररिंग्स जो उसे मिलते हैं जिसे वो देखता रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा मोमेंट आज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है फाइनली, जिसे देख के मैं बहुत खुश हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवी के फैंस हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मतलब ऐसा लगता है कि जब वो मोमेंट ख़त्म होता है और किसी और कुछ और मतलब शुरू होता है, तो ऐसा लगता है अरे यार क्यों ख़त्म हो गया, थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कॉमेंट करके। आज का मोमेंट जस्ट वाओ, मतलब बहुत अच्छा दिखाया गया है और ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हर रोज कुछ ना कुछ दिखा रहा है। और अब आगे तो पता नहीं, भगवान ही जाने कि क्या होने वाला है, क्योंकि इतना सब मेजर ड्रामा जो कल का प्रोमो दिखाया गया था और आज का प्रोमो जो दिखाया गया वही है। मतलब ठीक है, उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यार अभी फिलहाल के लिए हम शिवी के मूवमेंट्स को एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। मतलब शिवी के मूवमेंट्स अब हमें इट में भी पॉसिबल कि उन दोनों की लड़ाई भी देखने को मिले। तो आज के लिए आप एंजॉय कीजिए शिवी के मूवमेंट्स प्यारे प्यारे, और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा और कौन सा मूवमेंट सबसे अच्छा लगा। तो मुझे स्पेशली अच्छा लगा जो वो वीडियो कॉल वाला मोमेंट, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कौन सा वाला अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट गॉसिप के साथ या फिर अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू इतना मुझे प्यार देने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ आती रहूँगी। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।